हेलो फ्रेंड्स, नॉर्मली मेरे बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे। मेरे चैनल पे बहुत सारे टीचिंग वीडियोस हैं, YCMAUS, YCPA, बहुत सारे कॉन्सेप्ट वीडियोस मैंने डाले हैं। आज फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा मन कर रहा है कि मैं अपना थोड़ा सा प्रमोशन करूं इस वीडियो में। ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाई यू शुड जॉइन पिक्स। ओके, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने आपको बहुत सारी चीजें बताई होंगी। मैं इस छोटे से वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ हाउ वी टीच टू द स्टूडेंट्स एज ए इंस्टीट्यूट। ओके, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे कुछ पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहला चीज, कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम। जब मैं कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम की बात करता हूँ, इन डेप्थ टीचिंग। ओके, मैं जब इसकी बात करता हूँ, जनरली मैं स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूँ आई टीच 120%। ओके, तुमको सिलेबस में सिर्फ 100% होगा, आई विल टीच 120%। वो 20% भी इसलिए बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू टीच टेक एनी रिस्क। ओके, समटाइम्स यू हैव सीन कि IMA ने अगर 20 तारीख को कोई अमेंडमेंट लॉन्च किया है, 22 तारीख को मैंने वो लेक्चर लिया। ओके, सो इट्स कम्प्लीटली, यहाँ पे ऐसा होता है कि मैं कुछ भी चीजें नहीं छोड़ता। जितना भी टॉपिक्स है मैं आपको ऑप्शनल चीजें कोई नहीं बताता, मैं इंपॉर्टेंस भी कुछ नहीं देता। ओके, बिकॉज आई बिलीव कि हर एक चीज का सबका अपना अपना एक प्रोबेबिलिटी होता है उसका चांस आने का। नाउ सर, हाउ यू टीच। ओके, सेकेंड पॉइंट, मैं हमेशा थ्योरी एंड प्रैक्टिकल को बहुत अच्छे से ब्लेंड करके सिखाता हूँ। जनरली मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ कि किसी ने आपको ऐसा पूछा कि व्हाट विल बी द डायरेक्ट लेबर वेरियंस, ये आपका प्रैक्टिकल हो गया कि आप कैलकुलेट करके उसको सिखाओगे। बट मुझे इन शॉर्ट मुझे ये भी सिखाना पड़ता है दैट व्हाई यू आर कैलकुलेटिंग डायरेक्ट लेबर वेरियंस, ये वेरियंस आया क्यों, व्हाई देयर इज अ रीजन बिहाइंड। ओके, देयर विल बी अ फ्यू कॉन्सेप्ट जहां पे मैं सीधा बच्चों को बोलता हूँ कि इसको तुमको दट्टा मारना पड़ेगा, 2 से 3, अदरवाइज एवरीथिंग इज अ लॉजिकल। आपने अगर कोई मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको एक चीज तो समझ में आ गया होगा कि मैं ग्रास रूट लेवल से पढ़ाता हूँ। सर, व्हाई यू डू दिस। ओके, मैं आपको ऑनेस्टली एक रीजन बताता हूँ। देयर विल बी फ्रॉम 2021 टू 2024 there will be around 20 plus students who are from non-commerce background and they are already CMAUS. The reason being, I always start my lectures from the grassroots level. आपने एक मेरा वीडियो भी देखा होगा जहां पे मैं पहले वीडियोस में ये सिखा रहा हूँ that how to use calculator. Okay, उसमें मैं plus, minus, percentage, divide, multiply, everything I'm teaching. That's the reason I say that I teach comprehensive and not comprehensive, I'm so sorry. Comprehensive with briefing, detailed syllabus we discuss. Okay, now what are the key features? सबसे पहला कौन पढ़ाएगा, हम पढ़ाएंगे। Okay. Okay, so let me give you some briefing about me. Obviously, मैंने chartered accountant से की पढ़ाई की है। मैं almost 4 से 7 सालों से पढ़ा रहा हूँ। Why you are saying 4 to 7? Obviously, 4 years मेरे खुद के पिक्स में और 3 साल मैंने कहीं और भी अपने लाइफ में इन्वेस्ट किया। That's the reason I'm saying 7 years. Okay, 7 सालों से ये चीजें पढ़ा रहा हूँ। I am teaching ACCA, CMAUS and CPA. नेक्स्ट एक्सपीरियंस इंस्ट्रक्टर। सर, बहुत लोगों ने मुझे ये कॉम्प्लीमेंट दिया कि कभी भी ऐसा होता है कि टीचर ऐसा होता है जिसको पढ़ाना अच्छा आता है, या तो कोई एक ऐसा बंदा हो सकता है जिसका प्रैक्टिकल अच्छा है। ओके, आई हैव ब्लेंड कॉम्बिनेशन। मेरे पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो भी मैंने इन जर्नी के दौरान, जो मैंने 7 साल KPMG में मैंने काम करने के दौरान जो भी सीखा हुआ है, मैं उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके बच्चों को सिखाता हूँ। ओके, बिकॉज मुझे ऐसा चाहिए कि जब मेरा बच्चा किसी डेस्क पे कंपनी के बैठे तो उसको हर एक चीज पता हो दैट हाउ ही इज गोइंग टू डील। ओके, ही और शी इज गोइंग टू डील, नहीं तो ये मारामारी हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट आर द लर्निंग ऑप्शन। सर, 2 लर्निंग ऑप्शन। ओके, सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब मैं लर्निंग ऑप्शन की बात करता हूँ, सबसे पहला आई हैव अ लाइब्रेरी ऑफ वीडियोज। ओके, व्हेन आई से लाइब्रेरी ऑफ वीडियोज, ऑब्वियसली मैंने 4 सालों में इतने बैचेस ले लिए कि मुझे खुद को नहीं पता कि कितने घंटे के सिलेबस हो चुके। जब भी आप मेरा जब लॉग इन एक्सेस लेते हो तो यू गेट 2 ऑप्शंस, इधर यू कैन टेक लाइव और इधर यू कैन टेक रिकॉर्डिंग। मेरे यहाँ पे कोई भी बाइफिकेशन नहीं है दैट यू आर द लाइव स्टूडेंट, यू आर द रिकॉर्डेड स्टूडेंट, ऐसा गोल्ड प्रीमियम प्लैटिनम कुछ भी मेरे पास प्लानिंग नहीं होता। ओके, मेरे यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा एक वसूल है, लेट्स से इफ यू आर टेकिंग एनी एडमिशन, लेट्स से इफ यू आर टेकिंग ओनली रिकॉर्डिंग्स ऑल्सो, आपको मुझसे ही पूछ के लेक्चर चालू करना पड़ेगा, अदरवाइज यू कैन नॉट स्टार्ट। ओके, ऑप्शंस दे रहा हूं। सबसे पहला ऑप्शन, यू कैन टेक माय रिकॉर्डिंग्स, जहां पे मेरे पास प्री रिकॉर्डिंग लेक्चर्स नहीं होते। आपको ब्लू टी शर्ट देके किसी की याद आ रही होगी, बट नहीं, मेरे यहाँ पे ऐसा नहीं होता। मेरे यहाँ पे बहुत ही सिंपल है दैट आई टेक लाइव लेक्चर्स और उसके ही रिकॉर्डिंग्स आपको मिलते हैं, जहां पे आपको स्टूडेंट्स के डाउट भी सुनाई देंगे एंड यू विल फील लाइक कि आप उसी क्लासरूम में। ओके, नॉट प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स, दे ऑल आर लाइव रिकॉर्डिंग्स सेशंस। ओके, ये आपको मिलेंगे। सेकेंड, इफ यू आर लाइव, इफ यू वॉन्ट टू अटेंड लाइव, सिट एट होम, डेली लेक्चर्स होते हैं।
इट्स नॉट अबाउट द संडे, डेली लेक्चर्स होते हैं, वीक में मैं एक दिन छुट्टी लूंगा जब मेरा मूड चाहेगा. ओके नाउ नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बता दिया कि रिकॉर्डिंग भी लेक्चर्स होता है. नेक्स्ट नेक्स्ट, रोबस्ट करिकुलम का ऑलरेडी मैंने बता दिया था. नोट्स सर, व्हाट अबाउट द नोट्स, कौन से पब्लिकेशन के साथ टाई अप है? एज ऑफ नाउ मेरा किसी पब्लिकेशन के साथ टाई अप नहीं है, बट यस सून इन टू मंथ्स वी आर गोइंग टू हैव अ अप्रूव्ड पार्टनर. जनरली वी आर टेकिंग सम कोटेशंस ताकि मेरे बच्चों पे ज्यादा मॉनेटरी इंपैक्ट ना है. जो सबसे लोएस्ट होगा वी आर गोइंग टू चूज. एंड सेकेंड थिंग, आई एम नॉट डिपेंड अपॉन द पब्लिशर. जो भी आपको नोट्स मिलेंगे सब मेरे ही मिलेंगे एंड हार्ड कॉपी नोट्स आपके घर पे डिलीवर होंगे. आप इंडिया के स्टूडेंट्स हो या बाहर के स्टूडेंट्स हो, यू आर गोइंग टू गेट हार्ड कॉपी बुक्स, बिकॉज मुझे लगता है पढ़ने का असली मजा तो हार्ड कॉपी बुक्स में ही आता है. ओके नेक्स्ट नेक्स्ट, इफ यू वॉन्ट टू अटेंड ऑफलाइन, येस यू कैन अटेंड माई ऑफलाइन लेक्चर्स, जहां पे आप मेरे को पूरा देख सकते हो, जहां से मैं लेक्चर्स लेता हूँ. My offline center is in Mumbai, and if you want to attend virtual center, if you want to attend virtually, if you don't want to sit at home, you want to attend virtually, you can come to Ahmedabad. Ahmedabad में मेरा virtual classes चलता है, जहाँ पे मैं personally present तो नहीं होता हूँ, but yes, we have a proper center. So this is all about our institute, how we teach, okay? And next thing, last but not the least, mock test. Thorough preparation about the mock test. जब तक आप मेरे mock test clear नहीं करोगे, मैं आपको exam देने नहीं दूंगा. Yes, so it's not like an institute, it's like a private tuition. जब तक मैं आपको approval नहीं दे रहा हूँ, आप exam में नहीं बैठेंगे, because I may take hell lot of money. Okay, and I don't want you to give a toss on that. Okay, for any more information, you can contact me on these details which I'm giving in description. Thank you so much for watching this video.